दोस्तों आखिरकार भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से वनडे सीरीज को जीता और तीसरे वनडे मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद रो पड़े सुमन गिल ने शतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा पर कर दिया ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा कि सुनकर पूरा भारत देश हुआ हैरान। तो दोस्तों आखिरकार क्या बोले सुमन गिल, वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सुमन गिल को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि सुमन गिल और रोहित शर्मा में से कौन है एक अच्छा ओपनर बल्लेबाज। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही कि भारत और जिम्बाब्वे की टीम के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला अब समाप्त हो चुकी है और इस वनडे श्रृंखला का तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय टीम ने जीत कर जिम्बाब्वे की टीम को इस सीरीज में 3-0 से मात दी और इसी के साथ भारत ने इस वनडे सीरीज को जीतते ही इतिहास भी रच डाला। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि तीसरे वनडे मुकाबले में जो सबसे बड़े बल्लेबाज रहे वो रहे सुमन गिल, जिन्होंने मात्र 97 गेंदों में अपने वनडे क्रिकेट करियर का पहला शतक जमाया और 130 रन बनाते के साथ ही उन्होंने 15 चौके और एक बड़ा छक्का इस दौरान लगाया था। तो वहीं दोस्तों सुमन गिल को ब्रैड इवांस ने इनोसेंट काइया के हाथों भले ही कैच आउट करवा दिया था, लेकिन दोस्तों सुमन गिल को जो 130 रनों की पारी खेलनी थी वो तो उन्होंने खेल ही ली थी। और ऐसे में अब सुमन गिल की इस बल्लेबाजी को देखने के बाद पूरा भारत देश उनकी सराहना कर रहा है। और इसी बीच अब सुमन गिल का एक भावुक बयान सामने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान आया जब वो मैन ऑफ द मैच बने। दरअसल दोस्तों यहाँ पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान सुमन गिल कहते हैं कि मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने अपनी टीम के लिए 130 रनों की पारी खेली। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ मैं ऐसी पारी भी खेल पाऊंगा, क्योंकि जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर पिच अलग तरह का बर्ताव कर दिया और इस पिच पर बड़े बड़े दिग्गजों ने शतक भले ही लगाए हैं लेकिन उनके भी पसीने छूट गए थे और मैं तो क्या ही चीज हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मैंने कोशिश की तो जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ मैं यहाँ शतक बना पाने में कामयाब हो सकूंगा और ये करना मेरे सपने को पूरा करने के बराबर है। तो वहीं दोस्तों आगे सुमन गिल कहते हैं कि इस शतक में अकेला मेरा ही हाथ नहीं था, इसमें मेरी फैमिली और साथ में हमारी टीम का स्टाफ और फिजियोथेरेपिस्ट समेत अन्य तमाम खिलाड़ियों ने मिलकर मेरे लिए मेहनत की और इसीलिए ये शतक आज बन पाया है। तो वहीं दोस्तों आगे सुमन गिल कहते हैं कि रोहित भाई ने मेरी जितनी मदद मेरी बल्लेबाजी सुधारने में की है शायद उतनी किसी ने भी की हो। दरअसल रोहित भाई मुझे हमेशा ही कोचिंग और गाइड देते रहते हैं कि आखिरकार मुझे आगे कैसा प्रदर्शन करना है और कब मुझे किस हिसाब से बल्लेबाजी करनी है और उनकी ही सलाह को मानकर आज का ये शतक मैं जड़ पाने में कामयाब हो सका हूं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा के ऊपर सुमन गिल ने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लेने वाला बयान दिया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है, क्या सुमन गिल बिल्कुल सही बोल रहे हैं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।